आगे देखें तो क्या हो जाएगा, वैन सो इवर, वैन सो इवर का मतलब होता है जब कभी, वैन सो इवर का मतलब होता है जब कभी। नेक्स्ट है वैंस, वैंस मिस होता है कहाँ से या फिर जहाँ से। देखिए यहाँ पे वैन है, यहाँ पे सी ई लग गया है, ठीक है। वैंस मिस होता है क्या, कहाँ से या फिर जहाँ से। अगला है वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, अगर कोई भी अगर वर्ड मीनिंग उच्चारण में अगर आपको समस्या होती हो ना, तो आप यहाँ से उच्चारण इसका लिखा हुआ है समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे वेयर इन, यहाँ पे क्या है वेयर इन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है जिसमें। अगला है विच विवर, विच इवर का मतलब होता है जो कुछ भी, विच इवर का क्या मतलब होता है जो कुछ भी। नेक्स्ट है विच सो इवर, विच सो इवर का मतलब होता है जो कुछ भी, विच इवर या फिर विच सो इवर दोनों का सेम अर्थ होता है जो कुछ भी, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, विच टाइप, विच टाइप का मतलब होता है किस तरह का, किस प्रकार का। विच टाइप ऑफ मतलब होता है किस तरह का या फिर किस प्रकार का, ठीक है। हुईवर, हुईवर का मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है। हु सो इवर, इसका भी मतलब होता है जो कुछ भी। देखिए यहाँ पे जो कुछ भी का क्या हुआ, चार गो सेंटेंस है, फ्रेजेस है या फिर शॉर्ट वर्ड है, ठीक है। विच इवर, विच सो इवर, हुईवर या फिर हु सो इवर, चारों का अर्थ क्या होता है जो कुछ भी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाई सो, वाई सो का मतलब होता है ऐसा क्यों, वाई सो का अर्थ क्या होता है ऐसा क्यों। फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस का मतलब होता है किस ऑफिस से, फ्रॉम विच ऑफिस से मतलब होता है किस ऑफिस से। फ्रॉम हुज ऑफिस, किस ऑफिस से, किसके ऑफिस से, ठीक है। फ्रॉम हुज ऑफिस, इसका मतलब होता है किसके ऑफिस से। विच विथ विच बॉय, विथ विच बॉय मतलब होता है किस लड़के के साथ, विथ मतलब क्या होता है साथ होता है, विच मतलब होता है किस और बॉय मिस होता है लड़का, यानी किस लड़के के साथ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा। अगला है फ्रॉम हुज ऑफिस, यहाँ तक तो हो गया था ना, यहाँ तक भी हो गया था, चलिए आगे देखते हैं। और आगे है व्हाट विच बॉय, यानी किस लड़के के साथ हो गया। टुवार्ड, किस विच सिटी, यानी किस सिटी की ओर से या फिर किस शहर की तरफ से, ठीक है। टुवार्ड मतलब होता है कि और या फिर किस तरफ से, विच मतलब होता है किस सिटी मतलब क्या शहर। इस पूरे का सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, किस शहर से, ठीक है। फ्रॉम विच स्ट्रेट मतलब किस गली से, फ्रॉम विच स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स होता है क्या गली होता है, ठीक है। फ्रॉम विच कंपनी मतलब होता है किस कंपनी से, फ्रॉम विच कंपनी का मतलब होता है किस कंपनी से। अगला है वाय विच गन, वाय विच गन, इसका मतलब क्या हो जाएगा किस बंदूक से, ठीक है। अगला है वाय विच गन, ये तो हो ही गया। इन विच ग्लास, इन विच ग्लास का मतलब होता है किस ग्लास से, ठीक है। जिससे पानी पीने का ग्लास है ना, यहाँ पे उसका अर्थ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्लास मतलब क्या होता है शीशा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा पानी पीने का ग्लास का बात हो रहा है, ठीक है। विच हुज पीपल, विथ हुज पीपल मतलब होता है किस लोग से। देखिए हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, पीपल बोल देते ना, लेकिन इसका इंग्लिश में उच्चारण क्या होगा, पीपल होगा, ठीक है, यानी किस लोग के साथ। फोर हुज सन, फोर हुज सन का मतलब होता है किसके बेटे के लिए, फोर हुज सन का मतलब क्या होता है किसके बेटे के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई, चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला है विच ब्रदर ऑफ माइन, विच ब्रदर ऑफ माइन, विच ब्रदर ऑफ माइन मीन्स होता है मेरा कौन सा भाई, विच ब्रदर ऑफ माइन का मतलब होता है मेरा कौन सा भाई। विच सिस्टर ऑफ योर मतलब तुम्हारी कौन सी बहन, विच सिस्टर इज योर मीन्स होता है तुम्हारी कौन सी बहन। हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स का मतलब होता है कितने भाई, हाउ मैनी ब्रदर्स का मतलब होता है कितने भाई। हाउ मैनी हेयर्स कितने बाल, हाउ मैनी हेयर्स का मतलब होता है कितने बाल। हाउ मैनी स्टार, स्टार्स मीन्स होता है तारे, ठीक है, यानी कितने तारे। याद रखिएगा जहाँ कहीं भी हाउ मैनी नज़र आए इसका मतलब क्या होता है कितने, अगर हाउ मच नज़र आया तो इसका मतलब क्या होता है कितना। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कितने बाल। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा,
हाउ मच शुगर मतलब कितनी चीनी, हाउ मच मतलब क्या होता है चीनी मतलब कितना, ठीक है शुगर यहाँ पे चीनी, हाउ मच शुगर मतलब कितनी चीनी, व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस प्रकार के इसका होता है, ठीक है किस तरह से, लोग पीपुल है यहाँ पे इसलिए लोग, यानी व्हाट काइंड ऑफ पीपल किस तरह के लोग, हाउ कम मीन्स होता है किस तरह या फिर कैसे, हाउ कम का मतलब होता है किस तरह या फिर कैसे, हाउ कम मतलब किस तरह से कैसे हो गया, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, व्हाट काइंड ऑफ बुक व्हाट काइंड ऑफ बुक किस तरह की किताब, व्हाट काइंड ऑफ बुक मतलब होता है किस तरह की किताब, विच गर्ल्स ब्रदर यानी किस तरह का लड़की का भाई, ठीक है किस तरह किस लड़की का भाई, किस लड़की का भाई। अब अगला है विच स्कूल स्टूडेंट यानी किस स्कूल का विद्यार्थी, विच स्टूडेंट मतलब देखिए यहाँ पे किस स्कूल का विद्यार्थी, आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, विच स्कूल स्टूडेंट यानी ये तो हो गया किस स्कूल का विद्यार्थी, देखिए हाउ मेनी, हाउ मीन्स मेनी मीन्स क्या होता है कितना, हाउ मेनी मीन्स सभी का क्या अर्थ होता है कितना, देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ भी कितने, यहाँ भी कितने और यहाँ भी कितने लगे हुए हैं, ठीक है किलोग्राम ऑफ शुगर यानी कितना किलोग्राम चीनी, कितना किलोग्राम चीनी, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क यानी कितने गिलास दूध, कितने गिलास दूध, ठीक है हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन मेरे कितने भाई, मेरे कितने भाई, बात समझ में आ रही है ना, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर तुम्हारे कितने भाई। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि ये सभी वर्ड्स को कलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, इसके लिए मैं आपसे कोई फीस तो नहीं लेता हूँ, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ से सभी इंपॉर्टेंस वर्ड भी नहीं पढ़ सके और अपना इंग्लिश मजबूत कर सके। देश की भलाई के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, इंडिया पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, सिंस वैन का मतलब होता है कब से, सिंस मिस होता है कब और सिंस अगर यहाँ देखिए वैन मिस होता है कब और सिंस लग गया तो उससे पहले तो क्या हो जाएगा कब से। अगला है फ्रॉम वैन, फ्रॉम मिस क्या होता है से होता है, ठीक है अब वैन है तो मतलब क्या हो गया फ्रॉम वैन मतलब क्या हो गया कब से, सेंटेंस को याद है वर्ड मीनिंग याद हो रही है, ठीक है फ्रॉम हाउ लॉन्ग, फोर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, फोर हाउ लॉन्ग मिस होता है कब से। विथ वोम, विथ वोम का मतलब होता है किसके साथ, विथ वोम मतलब होता है विथ मिस होता है साथ और वोम मतलब होता है किसके, दोनों को एक साथ मिला के पढ़े तो क्या होगा किसके साथ, ठीक है फ्रॉम वोम, फॉर वोम मिस होता है किसके लिए, फॉर मिस होता है क्या लिए और वहाँ पे वोम है इसलिए क्या हो जाएगा किसके लिए। यकीन मानिए अगर आप इस सभी वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से याद नहीं रखते हैं ना आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा क्या है शुरुआत ही नहीं कर सकते इंग्लिश की, इसलिए बेहतर यही है कि इन सभी सेंटेंस को सॉरी जितने भी इसमें फ्रेजेस या फिर जो भी वर्ड है उसको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है फॉर वॉम, फॉर वॉम का मतलब होता है किसके लिए हो गया, अबाउट वॉम मतलब होता है किसके बारे में, अबाउट वॉम का मतलब होता है किसके बारे में, टुवार्ड वॉम मतलब किसकी तरफ, टुवार्ड वॉम मिस होता है किसकी तरफ, वाई वॉम मतलब होता है किसके द्वारा, वाई वॉम का मतलब होता है किसके द्वारा। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर कहाँ से या फिर जहाँ से, देखिए यहाँ पे वेयर कम कहाँ, वेयर का यूज कहाँ बताया था कहाँ और जहाँ के लिए होता है लेकिन यहाँ पे क्या लग गया फ्रॉम लग गया, फ्रॉम का मतलब क्या होता है से होता है इसलिए कहाँ से या फिर जहाँ से इसका यूज होगा, ठीक है। अगला है फॉर व्हाट, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, ठीक है या फिर जिस लिए, फॉर व्हाट का मतलब क्या होता है किस लिए या फिर जिस लिए। अगला है व्हाट फॉर का भी मतलब सेम होता है किस लिए या फिर जिस लिए होता है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल मतलब होता है कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल मीन्स होता है कितना सुंदर। नेक्स्ट है हाउ फार, हाउ फार मीन्स होता है कितना दूर, हाउ फार मीन्स होता है कितना दूर। हाउ गुड कितना अच्छा, हाउ गुड मीन्स होता है कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितना लंबा, देखिए यहाँ पे हाउ जहाँ पे लग गया उसके लिए क्या हुआ कितना का यूज हुआ है, ठीक है फॉर मिस होता है दूर, गुड मिस होता है अच्छा, लॉन्ग मिस क्या हुआ लंबा, यहाँ पे बात समझ में आया ना कुछ करेक्टिव आप कर पा रहे हैं, ठीक है देखिए जहाँ जहाँ पे हाउ लगा है वहाँ पे क्या हुआ कितना का यूज हुआ है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ओल्ड है तो यहाँ पे क्या देखिए कितना पुराना है, फिर कितना बड़ा। सन है तो कितना जल्दी। ठीक है, अब देखिए इन वाट, इन वाट वे मतलब किस तरह से, इन वाट वे का मतलब होता है किस तरह से, एट वाट वे मतलब किस तरह से, इन वाट वे और इन वाट वे और एट वाट वे दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, किस तरह से या फिर किस तरह से। ठीक है, अगला है 32 नंबर में वाट एल्स मतलब क्या और क्या, वाट एल्स मतलब होता है और क्या, वाट एवर, वाट एवर मतलब होता है जो कुछ भी, वाट एवर का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी। अगला है वाट्स इवर, वाट सो इवर, वाट सो इवर मतलब जो कुछ भी, वाट इवर या फिर वाट सो इवर दोनों का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी होता है। वाट टाइप ऑफ मतलब होता है किस तरह का, वाट टाइप ऑफ मतलब होता है किस तरह का। अगला है उससे पहले वाट देन, तो क्या, तब क्या, फिर क्या, वाट देन का मतलब क्या होता है, तो क्या, तब क्या, फिर क्या। अगला है 37 नंबर में वैन इवर, जब कभी, वैन इवर मिस होता है जब कभी। नमस्कार साथियों, इंग्लिश कैसे सीखे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम WH के सारे वर्ड एवं इसके उपयोग सेंटेंस के साथ हम जानेंगे, इसका उच्चारण भी लिख दिया गया है और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है ये भी इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए। चलिए बिना देरी का हम स्टार्ट करते हैं। WHAT वाट, देखिए इसका उच्चारण भी यहाँ लिखा हुआ है, वाट या फिर वट पढ़ा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, लेकिन हम लोग कहीं कहीं इसका पे जो के रूप में भी करते हैं। अब जो के रूप में कहाँ पर प्रयोग करते हैं इसको आगे हम सेंटेंस में प्रयोग करके बताएंगे। ठीक है, वाट मीन्स क्या होता है, क्या या फिर जो। नेक्स्ट है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट इज वैन, देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण भी दिया गया WHEN वैन, वैन मीन्स होता है कब या फिर जब, जब का उपयोग कहाँ पे होगा मैं आपको अगले सेंटेंस के वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ या फिर जहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ या फिर जहाँ। नेक्स्ट है हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स होता है कैसे। नेक्स्ट है वू, वू मतलब होता है कौन, जो या फिर किसी व्यक्ति के लिए, इसका प्रयोग कहाँ होता है, किसी व्यक्ति के लिए वू का प्रयोग होता है। ठीक है, या फिर जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कौन या फिर जो होता है। नेक्स्ट है विच, विच मीन्स होता है कौन सा, जो किसी चीज़ के लिए यानी किसी निजी वस्तु के लिए किया जाता है प्रयोग। ठीक है, अगला है वूज, वूज मीन्स क्या होता है, कौन सा, जो कि किसी निजी वस्तु के लिए होता है। यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला है सॉरी हुज, हुज मीन्स क्या होता है, किसका या फिर जिसका, किसका या फिर जिसका। नेक्स्ट है वूम, वूम मतलब होता है किसे, किसके लिए, किससे या फिर किसको, वो मतलब होता है किसे, किससे या फिर किसको। नेक्स्ट है हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, हाउ मीन्स होता है कितने। नेक्स्ट है हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मच मनी मतलब कितना पैसा, ऐसे करके हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक।